हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज देश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रन फॉर यूथ, रन फॉर नेशन मैराथन का आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में रेवाड़ी में रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में हजारों युवाओं के साथ सीएम ने भी दौड़ लगाई। मैराथन को हरी झंडी दिखाने से पहले सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, दौड़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हम सब विवेकानंद हैं। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, भागो और तब तक मत रुको जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो। कहते हैं जो तूफानों में पलते हैं, जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस संकल्प को दोहराना है। ऑर्गेनाइजेशन से हमारे दोस्त इस मैराथन में आए हैं हिस्सा लेने। आज मुख्यमंत्री ने दौड़ लगाई। राष्ट्रीय युवा दिवस आज मनाया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया। रन फॉर यूथ मैराथन का आज आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, सीएम ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और तमाम युवा इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री भी हालांकि इसमें शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने भी आज दौड़ लगाई। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जहां रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। तमाम युवा इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। और प्रदेश में सीआईडी विवाद पर चल रही बयानबाजी पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। दरअसल अशोक अरोड़ा ने कहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में सीआईडी विभाग को लेकर खींचतान चल रही है, इससे जनता को कुछ लेना देना नहीं है। प्रदेश में बढ़ते अपराध की ओर ध्यान देने की खासा जरूरत है। गृहमंत्री और सीएम को प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगानी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने विधायक बलराज कुंडू की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि इस तरह के एक मामले नहीं है। अगर पिछले 15 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाए और जांच की जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला यहां निकलेगा। इन दोनों को आपसी खींचतान छोड़ के हरियाणा की तरफ ध्यान देना चाहिए। इनकी सरकार है, आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चौपट हो चुकी है। एक दिन के अंदर 4-4 केस बलात्कार के हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है। इन सब चीजों को छोड़ के विभाग किसके पास है किसके पास नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता को प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था चाहिए और दोनों को मिलकर सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हो। और फरीदाबाद के अमरपुर भट्टा कॉलोनी में रहने वाले मजदूरों ने गांव के सरपंच पर बड़ा आरोप लगाया। मजदूरों का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे कर प्लॉट खरीदा था, जिस पर सरपंच अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि डीटीपीओ विभाग के मकानों पर नोटिस जारी कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि सरपंच गांव की जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग करता है, लेकिन सरकारी विभाग सब कुछ देखते हुए भी चुप्पी साधे हुए है। अवैध कब्जा है जी, सरपंच अपनी दबंगाई से और प्रशासन की मिलीभगत से ये मतलब जो अवैध कब्जे करा रहा है। हमने जो वीडियो के भी, एडीएम साहब के भी, डीसी साहब के भी और मुख्यमंत्री को भी वो दे दिया, पर कोई भी अधिकारी आता नहीं है। डीसी साहब के एप्लीकेशन लगाते हैं तो डीसी साहब उसको वीडियो को मारक करता है, वीडियो जो सेक्रेटरी को भेज देता है बस खाली, जो कि सेक्रेटरी तो सरपंच का एक मतलब जो क्राइम में मतलब जो सहायक बराबर का होता है। आई
और कोई मतलब डीटीपीओ ने कोई कार्रवाई ये मतलब एक डीसी साहब के एप्लीकेशन लगाई थी हमने, उन्होंने डीटीपी के लिए लिखा था, ये हमारे पास में एक लिखा हुआ है, सरपंच वहाँ पे लिख के देख आया था कि भाई आज के बाद में कोई भी अवैध कब्जा नहीं होगा। आज 10 दिन से कम 50-60 मतलब जो लेबर के मतलब जो आदमी लग रहे हैं और धड़ल्ले से चिनाई हो रही है ना, और हमने मतलब जो भी 5-7 दिन पहले एप्लीकेशन लगाई है, डीसी साहब के भी लगाई है, मुख्यमंत्री को भी मतलब जो किया है, अभी तक भी कोई भी अधिकारी यहाँ पे चेक करने को आया नहीं है। यहाँ पर ज्यादा करके परेशान करे, 3-4 बार आ चुके और आगे पीछे जो मकान बन रहे हैं उनके पास कभी भी नहीं जाते, पूछते भी नहीं है कि तुम कैसे मकान बना रहे हो, कहीं क्या कर रहे हो यहाँ। हम लोग के ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ये 5-6 बार आ चुके और नोटिस ये दे रहे थे कि कल जिसका कागज ले मतलब नाम से था उनको दे के गए नोटिस। अच्छा, फिर क्या बोला उन्होंने? वही कि सब लोग इकट्ठा होके वो लोग वहाँ कोर्ट में पेश हो जाओ, आ जाओ, यही सब बता रहे थे। और बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में कुछ बदमाशों ने बीजेपी पार्षद कपिल डागर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना पुलिस चौकी के पास की है। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गनीमत यह रही कि पार्षद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि पार्षद कपिल डागर कार्यक्रम से घर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं पुलिस चौकी के सामने से होता हूं, बाईपास की तरफ को चलने लगा, बाईपास के वहां एकदम से अचानक एक गाड़ी खड़ी थी, उसके पास एक आदमी खड़ा था, एक बैठा था, तो मैं वैसे ही निकला जा रहा, मुझे कोई ध्यान ही नहीं, और एकदम से गोली चली, तो मुझे जब मेरे ख्याल से 2 गोली चल गई है, एकदम से आवाज सा होया, मैंने कही तो कुछ होया है, जो शीशा झड़ गया था, फिर मैंने स्पीड से गाड़ी भगा दी, बहुत स्पीड से पीछे मुड़ के, मतलब इतना होपलेस हो गया, मेरे पे ना देखी गया, फिर मैं घर गया, घर जाके मेरे भाई हैं रतन सिंह फौजी हैं, मेरा बच्चा भतीजा, उनको लेके फिर पुलिस चौकी आके। यमुनानगर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक युवक ने अपनी कार से कई लोगों को रौंद दिया है। तकरीबन 100 से भी ज्यादा कार की स्पीड बताई जा रही, जिसके बाद कार में सवार युवक ने साइकिल, बाइक और एक्टिवा सवार को रौंदते हुए खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि आसपास के दुकानदारों को भागने का मौका भी नहीं मिला और इस दौरान 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर कार को कब्जे में लिया। इस दौरान आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में है। कार है तो आई थी सिस्टम मित्र वाले पास में, पहले उन्होंने रेडी आके दे कोल एक साइकिल वाले के दिनाने ने मारी उन्होंने, ओथो एकदम उन्होंने गड्डी है नहीं तेज गड्डी है कि ए जने टेबल पे दुकान दे बतने के बाहर टेबल भी अंदर सारे दस गए जी, मोटरसाइकिल खड़ी जी, मोटरसाइकिल तरीक दे साडी गड्डी कार खड़ी है बाहर, कार सड़क के तरीक के बाहर सड़क पर आ गई है, उस अंदर 4 बंदे सन जी, 3 या 4 बंदे है और मुंडे मेरे ख्याल है सारे नशे वाले ने। हमारे को सूचना मिली थी कि प्यारा चौक के पास एक कार वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, 2-3 आदमी ने इंजर कर दिया है, तो हम मौके पर गए वहाँ पर, तो वो अपना इंजर्डों को तो एम्बुलेंस ले गई थी हॉस्पिटल में, और वो गाड़ी थी जो गाड़ी को हमारा ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ रोक लिया था, वो गाड़ी को हमने कब्जे में ले लिया और उनके जो आरोपियों की तलाश है। वही सोनीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग ने फैक्ट्री के 3 मंजिलों को अपने चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी कर्मचारी फैक्ट्री से बाहर निकल आए, जिससे जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन लाखों का सामान मशीनरी जलकर राख हो गए। वही दमकल के 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस पूरे हादसे में किसी की जान तो नहीं गई लेकिन काफी नुकसान यहां रखे सामान का हो गया। 3 मंजिलों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में फंसे शख्स को बाहर निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। और फतेहाबाद के डिप्टी सीएमओ की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले टोहाना के डॉक्टर की ओर से डिप्टी सीएमओ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की शिकायत के बाद शहर पुलिस ने डिप्टी सीएमओ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
शुरुआती जांच में मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि डॉक्टर गिरीश ने भ्रष्टाचार से फतेहाबाद के सेक्टर 3 में करोड़ों की लागत से मकान बनाया, जबकि नौकरी से पहले उनका परिवार काफी गरीब था और वो एक दुकान पर ही निर्भर रहते थे। इसी के साथ डॉक्टर गिरीश कुमार पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। ये डॉक्टर गिरीश के खिलाफ कंप्लेंट थी जो डॉक्टर गगन ने की थी, जिसमें उसके खिलाफ उस कंप्लेंट के बेस पे हमने एक FIR लॉन्च की है करप्शन एक्ट में, जिसमें डॉक्टर गिरीश के खिलाफ ये पर्चा दर्ज हुआ है। किन धाराओं के तहत? ये 7 PC एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। मीडिया से सोशल मीडिया में कुछ ऑडियो मिली थी जिसमें बताया गया था ये डॉक्टर गिरीश जो डिप्टी सिविल सर्जन बता रहे हैं उनकी आवाज है और वो है कोई पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, जो कि सरकार की भ्रष्टाचार नीति नीति के खिलाफ थी। मैंने इस ऑडियो क्लिप की जानकारी के लिए, इसकी सच्चाई मालूम करने के लिए, ये किससे पैसे की लेन देन कर रहा है, किसको पैसे देने थे, किससे लेने थे, क्या इसी में डॉक्टर गिरीश की आवाज़ सच्चाई है, ये सारी चीज़ को जानना पुलिस को तफ्तीश करने के लिए भेजी थी, क्योंकि उनका उसकी पहुँच या रसूल का यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो बन रही थी, तो इसलिए मैंने निवृत्त जी को भेजा था इस मामले में संज्ञान लिया जाए, इसकी ऑडियो क्लिप की जांच करवाई जाए। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, साथ ही आपसे पूछ रहे हैं आज का सवाल। आज का सवाल ये कि क्या बदमाशों में कानून व्यवस्था और पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए। 8743010009 पर अपना जवाब भेज दीजिए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। जींद के सरकारी अस्पताल में अपने 1 महीने के बेटे का इलाज कराने आए पिता को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। थप्पड़ मारने का आरोप अस्पताल के डॉक्टर पर लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स अपने 1 महीने के बेटे को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लाया था। शख्स डॉक्टर से बार बार बेटे का इलाज करने के लिए विनती कर रहा था, लेकिन डॉक्टर बच्चे को रोहतक PGI रेफर करने की बात कर रहा था। वहीं बच्चे का पिता देर रात को रोहतक PGI कैसे जाए इस सवाल के साथ वो लगातार बहस कर रहा था। आखिरकार पिता को बच्चे को निजी अस्पताल में ले जाना पड़ा। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई और इस पूरे मामले में अब गृहमंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया है और जिम्मेदार विभाग को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात भी कही है। और इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये पूरा मामला गृहमंत्री के दरबार पहुंचा, जहां गृहमंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। मैंने निजी हेल्थ को कह दिया है तुरंत इस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसको चार्जशीट अंडर रूल 7 करके इसे पूछा जाए कि इस प्रकार का इसने व्यवहार क्यों किया। नहीं नहीं, गलत है। सारी दवाइयां हैं हमारे पास, हमारे वेयर हाउस भरे पड़े हैं, कोई दवाई की कमी नहीं है। सर, बावजूद भी इस तरह के मामले ऐसे हैं और आते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। और सिरसा में धानक समाज के अभिनंदन समारोह राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए CID मामले पर अनूप धानक ने कहा कि CID महकमा सरकार के पास है, मुख्यमंत्री और गृहमंत्री दोनों की सरकार है। जिसके बाद अभय चौटाला के लूट मंथन वाले बयान पर धानक ने कहा कि अभय चौटाला बताएं किसके लूट का मंथन है। वहीं रामकुमार गौतम की नाराजगी पर धानक ने कहा कि JJP में सब कुछ ठीक है, परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। जिसके बाद थेहड़ मामले पर अनूप धानक ने कहा कि पुनर्वास की व्यवस्था के बाद अगली कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में JJP मजबूती से चुनाव लड़ेगी। JJP संरक्षक अजय चौटाला और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की छवि और काम के आधार पर वोट मांगा जाएगा। सरकार के पास है, सरकार तो गृह मंत्री की भी है और मुख्यमंत्री की भी है। उत्तम जी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग नेता हैं और परिवार में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल हमारे सारे जो विधायक हैं हम संतुष्ट हैं और बढ़िया सारे विधायक सदस्यता अभियान चलाए हुए हैं, कोई किसी को कोई नाराजगी नहीं है। जननायक जनता पार्टी जो हमारे सुप्रीमो हैं, संरक्षक हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की छवि और हमारे माननीय जो उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनकी छवि के कारण हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और उनकी छवि के नाम पे वोट मांगेंगे, काम के नाम पे वोट मांगेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। और
और करनाल में रन फॉर यूथ के बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह सीएम मनोहर लाल के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। जहां राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे को रोकने के लिए आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे जो लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा नशे की लत में पड़ चुके हैं, उन्हें जागरूक कर वापस लाया जा सकता है। ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बात करेंगे, जिसके बाद खेल नर्सरियां को लेकर उन्होंने कहा कि फेक खेल नर्सरियां चल रही है उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, और जो ठीक से चल रही है, जिनकी जरूरत है, उनको दोबारा शुरू करेंगे। नशे को लेकर हम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे मुहिम चलाने वाले हैं, जिससे कि जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनको हम बताएंगे कि नशा एक्चुअली में क्या है और उसकी हानि क्या होती है, और जो नशे में नहीं पड़े हैं अभी तक उनको अवेयरनेस देंगे, और जो पढ़ चुके हैं उनको हम उनके गाँव तक, उनके फैमिली तक वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा हरियाणा है वो नशा मुक्त है। खेल नर्सरियाँ मैंने पहले भी काफ़ी मीडिया के माध्यम काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जो फेक हैं उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि फेक नर्सरियों जो ले चुके हैं ये शो करके कि उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने नर्सरियाँ ले चुके हैं, तो वो चलेंगी नहीं, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हक मिलेगा और नर्सरियाँ भी रखेंगे, और आगे हम ग्रास रूट के ऊपर बहुत काम करेंगे, क्योंकि मुझे हरियाणा नंबर वन है और आगे भी नंबर वन रखना है। और सिवानी मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल कई गांवों का धन्यवादी दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों में सभाओं को संबोधित भी किया, जिसके बाद कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जेजेपी के किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के वादे पर उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज मुक्त बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए कई योजनाएं लागू भी कर दी गई है। जिसके बाद सीआईडी मामले पर जेपी दलाल ने कहा कि इससे लेकर कोई विवाद नहीं है, सीएम और शीर्ष नेतृत्व को पूरा अधिकार है कि वो इस विभाग किसे दे। इस दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और कहा कि जनता हमारी मालिक है और हम अधिकारी जनता के सेवक है। अधिकारियों की वजह से पीएम और सीएम की छुट्टी और मेरा पत्ता कटा तो वो अधिकारियों का पत्ता काट डालेंगे, उन्हें सस्पेंड पहले और कार्रवाई बाद में करेंगे। कोई विवाद नहीं, सारे जो प्रोरोगेटिव है हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार है, किसका कौन सा विभाग किसको दे, कब दे, ना दे, या शीर्ष नेतृत्व से पूछ के दे, अपनी मर्जी से दे, तो इसमें कोई विवाद तो है। विपक्ष को अपना टाइम काटना है, चार चार छः 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 महीने करके, क्योंकि पाँच साल उसको लंबे दिखाई देते हैं, इसलिए वो है कि वो छः चार महीने छः महीने की बात करता है, उस अपने उसका अपना सोचना है। अधिकारियों और नेता सबको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि जनता लोकतंत्र में जनता मालिक, और मालिक के ऊपर कोई और बड़ा अधिकारी, ना कोई अधिकारी होता है, ना कोई मंत्री होता है, ना कोई मुख्यमंत्री होता है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें, जनता के ऊपर मालिक बन के नहीं रहेंगे। अगर मालिक नाराज हो जाता है तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, और हमारी छुट्टी होगी तो अधिकारी के ऊपर तो कुछ गाज गिरेगी। हरियाणा के किसान को आर्थिक हालात को, जो मोदी जी का नारा है कि उसकी आमदनी को बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बागवानी की तरफ हमारा ध्यान है, पशुपालन की तरफ पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है, ये सारे कदम मिला के किसान की आर्थिक हालत सुधरेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे पूछ रहे हैं आज का सवाल, और आज का सवाल ये कि क्या बदमाशों में कानून व्यवस्था और पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए। अपना जवाब व्हाट्सएप नंबर 8743010009 पर सेंड कर दीजिए।